बजट वाणी है। 2014 के आम चुनावों से पहले ये यूपीए सरकार का आखिरी आम बजट था, मगर उम्मीदों के मुताबिक इसमें राहत किसी वर्ग को नहीं मिलती। आंकड़ों के खेल में उगाही का इंतजाम हर वर्ग के लिए अलग अलग किए गए हैं। मिडिल क्लास को निराश करने के बाद वित्त मंत्री का अगला निशाना बना सुपर रिच क्लास। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने इनकी तादाद भी बताई। चिदंबरम ने कहा कि देश में 42,800 लोगों ने ऐलान किया है कि उनकी कमाई 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ऐसे धन कुबेरों को टैक्स के साथ 10% का सरचार्ज चुकाना होगा। अगर आप 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो इस पर 1% का चार्ज चुकाना होगा। अगर कोई फर्म या कंपनी 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के लागत की है तो इन पर 10% सरचार्ज लगेगा। वित्त मंत्री के सुपर रिच सरचार्ज से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में खासी खलबली दिख रही है। ये बजट वाणी है। इंडस्ट्री को अगर आप इग्नोर करेंगे और हजारों करोड़ आप रोजगार योजनाओं के नाम पे खर्च करेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है, मतलब सक्सेसिव बजट्स, पहले ज्वार रोजगार योजना, जनता रोजगार योजना, करोड़ रुपया आपने टैक्स पेयर का बर्बाद कर दिया और उसका कोई ऑडिट नहीं है। सीरियस फाइनेंशियल चैलेंजेस में वेरी हाई डेट है, इसमें वेरी हाई डेट एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस जो था टेलीकॉम सेक्टर को वो नहीं आया।